गुड मॉर्निंग बच्चों, पिछली वीडियो में क्लास ट्वेल्थ मैथ एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 पिछली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक देखे थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमने लिखा है कि डू योर सेल्फ, इससे हमने DYS लिख देते हैं हम लोग, DYS, डू योर सेल्फ। और मैं अपनी राधा बिटिया से कहना चाहूँगा, एक दिन कह रही थी, सर आप बोल रहे थे क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा था। अरे पागल, जो क्वेश्चन आपको को करना है उसमें मैं हिंट बोल देता हूँ, तो क्वेश्चन देखो, हिंट देखो। ये क्वेश्चन नंबर 5 है कि कारण से बताइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम हैं। जरा देखो, पहला फलन देखो कि 1 10 2 10 3 10 4 10, 1 का भी इमेज 10, 2 का भी इमेज 10, 3 का भी इमेज 10, 4 का भी इमेज 10, मतलब मेनी वन है ये। अगर मेनी वन है, देखो नॉट वन वन, नॉट बाइजेक्टिव लिख दिया ना, अगर मेनी वन है तो बाइजेक्टिव हो नहीं सकता। अगर बाइजेक्टिव नहीं हो सकता तो इनवर्स फंक्शन कहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी वैसे ही है, इसका सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट देखता हूँ, यस बराबर दिया है 2 7 3 9 4 11 5 13 ना। देखो अब ये देखो कि 2 3 4 5 सबके इमेज है ना, 2 3 2 का इमेज 7, 3 का इमेज 9, 4 का इमेज 11, 5 का इमेज 13, 1 1 हो गया। अब देखो 7 9 11 13 सबके पास इमेज है, इसलिए 1 1 है, अनटू है, अर्थात फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसलिए इसका यूनिवर्सल फंक्शन होगा। अब कहोगे सर दिख तो नहीं रहा है, वास्तव में नहीं दिख रहा है, किताब खोल सामने रखो बता तो रहा हूँ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो। पगली कह रही थी कि सर आप बोल रहे थे वहाँ वो मिल नहीं रहा था, उसमें मिलेगा कहाँ से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, दिया है कि सिद्ध कीजिए कि फंक्शन या सच दैट। क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए, चिल्लाऊंगा नहीं मैं। ये फंक्शन है एफ सच दैट -1 1 2 r डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1, ठीक है, एंड फाइंड इनवर्स। इसी का इनवर्स भी फाइंड आउट करना है। तो 1 1 प्रूफ करने के लिए बेटा आपको एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 प्रूफ करो। बताना नहीं चाहिए था लेकिन बता दिया हूँ, यहाँ पर देख लो एफ एक्स 1 बराबर एफ एक्स 2 प्रूफ कर दिया तो एक्स 1 बराबर एक्स 2 आ गया, फंक्शन 1 1 है। ठीक, फंक्शन 1 1 है तो इसका कह रहा कि इनवर्स क्या होगा। तो भाई एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 2 है तो वाई बराबर एक्स अपान एक्स प्लस 2 कर दो, फिर एक्स का मान वाई के पद में निकाल लो, वही इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। वाई देखिए यहाँ पर किया है हमने, वाई इजकल टू एक्स अपान एक्स प्लस 2, और एक्स का मान निकालेंगे, आप निकाल कर दिखाइएगा, हमारी तरह मत कर दीजिएगा। 2y अपान 1 माइनस y, इसी को gy बोलते हैं ना, gy बराबर 2y अपान 1 माइनस y। देखिए यहाँ हमने अपने मन से लिख दिया कि y इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि y का मान अगर 1 रख देंगे तो gy डिफाइन ही नहीं होगा, अनंत हो जाएगा मान, ये मैंने अपने मन से लिखा है इसको। ठीक है, अब बात ये आती है कि ए जी वाई इज इक्वल टू 2y अपान 1 माइनस y इनवर्स फंक्शन होगा कब, जब फाग y बराबर आई वाई आए और गाफ x बराबर आई एक्स आए ना। ये आप कर सकते हैं, मैं आप बताऊंगा नहीं बार बार, ये आप खुद दिखाइए, फाग y बराबर आई वाई, फाग x बराबर आई एक्स, आप खुद दिखाइए, तब लिखिए कि देन एफ इनवर्स इज इक्वल टू वाट, मतलब प्रतिलोम वृत्ति फलन बराबर जी वाई वाई 2y अपान -1 वेयर y इज नॉट इक्वल टू 1, या ऐसे भी दिखा सकते हैं एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी एक्स अपान 2x अपान 1 माइनस x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 लिखे हैं। देख रहे हो गलती ऐसे होती है, यह मानवीय भूल है, ये नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, क्योंकि x का मान 1 रख देंगे तो
फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन हमने लिखा है कि डू योर सेल्फ, खुद करें, इसमें हमको बताना नहीं है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करिए भाई, मैं भेज दूंगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप खुद कर लेंगे इसको। और नहीं कर पाएंगे तो बताइए, ज़रूरी नहीं है कि एनसीईआरटी में जितना क्वेश्चन दिया है वही आपका पाठ्यक्रम है, वही आपका सिलेबस है, थोड़ा सा बदल दिया तो आप कहेंगे सर ये तो क्वेश्चन था ही नहीं, इतना कॉन्सेप्ट दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फंक्शन है जो डिफाइन है fx बराबर x स्क्वायर प्लस 4, और यह फंक्शन r पॉजिटिव टू 4 इन्फिनिटिव, r पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, r पॉजिटिव मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर, r पॉजिटिव लेंगे तो प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 नहीं, r पॉजिटिव में 0 भी आ जाता है, r पॉजिटिव में 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है। तो ये r पॉजिटिव दिया गया है ना, ये r पॉजिटिव, तो r पॉजिटिव का मतलब समझिए नॉन जीरो इंटीजर, केवल माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री को छोड़ करके 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 होगा, ये क्लोज ब्रैकेट में है, ये 4 टू इन्फिनिटी। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको दिखाना है कि यह इनवर्स फंक्शन है, ठीक है, और प्रूव करिए कि इनवर्स फंक्शन इतना जो दिया है आपकी बुक में कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू वाई अंडर रूट वाई माइनस 4, ठीक है। तो पहली बात तो अब हम इसको, हमने बताया था कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है, फंक्शन बाइजेक्टिव है तो इन्वर्सिबल है, बाइजेक्टिव दिखाना बड़ा आसान है, जरा देखो, चाहे बाइजेक्टिव दिखाओ चाहे वही गाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स, वही जो दिखाए हैं पीछे बताए हैं कि गाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आई एक्स और फाग ऑफ वाई इज इक्वल टू आई वाई, प्रूव कर दो, दोनों से आ जाएगा आपका, सो सिंपल, वाई एक्स का मान वाई के पद में निकाल लो, बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट बदल दे रहा हूँ आपका कि इसको देखो, पहले तो 1 1 और आन टू प्रूव करो, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू रखो, तो ये देखो आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, फंक्शन इज 1 1। अब चलो वाई का मान हमने एक्स के पद में निकाल लिया, वाई इज इक्वल टू अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब एक्स का मान जब वाई के पद में लिखेंगे तो अंडर रूट वाई माइनस 4 है, स्पष्ट नहीं दिख रहा है लेकिन जान लीजिए वाई माइनस 4, अंडर रूट वाई माइनस 4 या जी वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब ये भी इनवर्स होगा, ये भी इनवर्स होगा, लेकिन कब, जब बाइजेक्टिव हो। तो 1 1 तो यहाँ प्रूव कर दिए। अब पहले ये तो क्वेश्चन का पार्ट था, ये क्वेश्चन का पार्ट था ऊपर वाला, ये सब क्वेश्चन का पार्ट था, ये मैं यहाँ प्रूव किया हूँ। अब देखो अगर वाई का मान 4 से छोटा होगा तब तो ये निगेटिव हो जाएगा, अंडर रूट में जैसे 3 दे दिए तो माइनस 1 ये काल्पनिक संख्या होगी। वाई का मान क्या होना चाहिए, या तो 4 हो या 4 से बड़ा हो, तभी तो ये वास्तविक मूल आएंगे। अगर 4 से छोटा ले लेंगे तो कर्णी में निगेटिव नंबर आ जाएगा, और निगेटिव नंबर का वर्गमूल निकलता नहीं है, वो काल्पनिक संख्या है। फॉर एवरी वाई इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 4, 4 के बराबर या 4 से बड़ी जितनी भी वाई हैं, जितने भी वाई हैं, इज इमेज, वो इमेज हैं ऑफ सम एक्स इन डोमेन, सो इट इज आंटो, इसलिए आंटो है। और चूंकि फंक्शन अब 1 1 है, आंटो है, इसलिए फंक्शन आपका जो है ये क्या है, ये बाइजेक्टिव है। क्या है, फंक्शन आपका बाइजेक्टिव है। सिंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव सो इट हैज इनवर्स फंक्शन, वही आप इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट वाई माइनस 4। अब उसमें जो है आपके बुक में जो है एफ इनवर्स वाई लिख दिया है,
ये लिखिए न लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, आपको खुद करना है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 10, ये काटा क्वेश्चन नंबर 10 नहीं काटा हूँ, लगा रहा था थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर से उसको हम लगाए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि कहाँ गया भाई, ये तो क्वेश्चन नंबर 10 है एफ सच दैट एक्स टू वाई एक व्युत्क्रमणीय मतलब इनवर्स फंक्शन है, सिद्ध कीजिए एफ का प्रतिलोम एक अद्वितीय मतलब यूनिक है, मतलब दो इसके इनवर्स नहीं होंगे, केवल एक ही इनवर्स होगा। तो चलिए दिखाते हैं इसके लिए, हम मान लिए आपके बुक में तो दिया था लेकिन हम समझे कि ये ठीक नहीं है। हम मान लिए कि जी अब केवल एक यूनिक फंक्शन दिखाना है, हम मान ले रहे हैं कि दो है, तो लेट g1 एंड g2 बी टू यूनिवर्सिबल फंक्शन, ठीक है, तो फॉर g1y, ठीक, ये बराबर y होगा, फॉर g1y बराबर y और फॉर g2y बराबर y, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, तो फंक्शन 1-1 हुआ। अरे भाई अब आप इसको दिखा सकते हैं, पहले कि जब ये कह रहा है कि व्युत्क्रमणीय है, जब ये कह रहा है फंक्शन इनवर्सिबल है तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन 1-1 होगा। क्वेश्चन में पहले ही कह दिया ये इन्वर्टिबल फंक्शन है, इसका मतलब वो 1-1 भी होगा आंटो भी होगा, हम 1-1 से करते हैं। चलिए जब ये 1-1 है तो फाग जी वन वाई इज टू फाग जी टू वाई, यहाँ जी वन अस्पष्ट नहीं है, यहाँ देखो चूँकि ब्रैकेट में नीचे निकाल दिया हूँ हम फाग जी वन वाई, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, फाग g1y वाई इज इक्वल टू फाग g2y या g1y इजकल टू g2y या g1 इजकल टू g2, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि g1 g2 दो नहीं हैं एक ही हैं, यहाँ लिख दिया कि g1 एंड g2 आर नॉट डिफरेंट फंक्शन, g1 g2 डिफरेंट फंक्शन नहीं है, अर्थात g1 एंड g2 आर सेम फंक्शन। इसलिए क्या होगा कि जो फंक्शन fn है उसके पास केवल एक ही इनवर्स फंक्शन होगा, एक ही इनवर्स फंक्शन होगा। कोई बात समझ में नहीं आती है तो इसको बार बार देख लीजिए, बार बार देख लीजिए, अगर g1 g2 टू इनवर्स फंक्शन है तो फाग आप g1y क्योंकि y है तो बराबर y होगा, ठीक है, फाग g2y यही थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है, ये भी बराबर y होगा। जब यहाँ y ले रहे हैं बेटा केवल g1 g2 बदला है लेकिन इसका डोमेन क्या है, y, इसका डोमेन क्या है, y, ठीक है, इसका को डोमेन क्या होगा, वो भी वाई होगा, वाई का इमेज वाई, वाई का इमेज वाई, ठीक है। तो जब इनवर्टिबल कह दिया तो हमने लिख दिया फंक्शन इज या फिर इज 1-1, फिर वही बराबर कर दिया, जी वन बराबर जी टू आ गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 आपका हो गया। अब थोड़ा सा और बचा है, सोच रहा हूँ कि अगली वीडियो में आपको दो क्वेश्चन बता दूँ, इसके बाद फिर इंट्रो पार्ट बताऊँगा एक्सरसाइज 1.4 का। थैंक यू सो मच।